फाइनली वैक्सीन ले लिया मैं। भाई गंदा वाला सीन हो चुका है, पूरा जाम लग चुका है, कल के ऊपर डाल रहा हूँ। तो अगर हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? सो आज का ब्लॉग पे आपका स्वागत है। सो अभी आप तो हुलिया देख सकते हैं मेरा, मतलब अभी मैं जस्ट सो के उठा और बाहर मतलब एकदम बारिश हो के रखा हुआ है। सो मेरे को तो जाना था कोविड वैक्सीन लेने, जो कि सेकेंड डोज था, सो वो मैं लेने जाऊंगा, बट बारिश अगर थोड़ा कम होता है तो मैं जाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए आप लोग। और हाँ, और एक बात बोलना था, मतलब मैं इंस्टा पे भी ज़्यादा एक्टिव होना स्टार्ट हो चुका हूँ और रील्स भी जो आई थिंक जो डालूंगा डेली रील्स, तो इंस्टा पे जाके मतलब फॉलो कर दिए। मेरा मतलब जो एंगेजमेंट था वो थोड़ा जल्दी आ रहा था, इसीलिए मैं इंस्टा पे रील्स डालूंगा। तो जाइए जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे फॉलो कर दीजिए। तो गाइस फाइनली अभी मतलब बारिश थोड़ा कम हो चुका है, इसीलिए हम लोग निकल गए हैं और फ्यूल अप भी करना पड़ेगा बिकॉज फ्यूल है नहीं ज़्यादा। तो पहले जाएंगे पेट्रोल पंप, वहाँ से फ्यूल अप करके फिर जाएंगे फैंसी बाजार, बिकॉज वहाँ है कोविड सेंटर और वहाँ मतलब थोड़ा खाली रहता है, भीड़ वगैरह ज़्यादा होता नहीं है। तो आराम से वहाँ जाके ले लेंगे और देखते हैं उसके आगे क्या करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे। और मैंने मतलब बहुत दिन से कोई अच्छा प्लेस एक्सप्लोर नहीं किया है, ज़्यादातर मैं लाइफस्टाइल के ऊपर डाल रहा हूँ। तो अगर आपके सामने या फिर आपके नेबर में कोई अच्छा प्लेस है जो कि एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं जाके एक्सप्लोर कर पाऊँगा। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके फॉलो कर दीजिए, बिकॉज अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूँगा, डेली मतलब 2 रील्स अपलोड करूँगा, बिकॉज वहाँ से एंगेजमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो पहले फ्यूल अप कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फ्यूल अप हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट फैंसी बाजार। तो आज का मतलब बारिश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आई थिंक बारिश नहीं होने से आज अच्छा होगा, बिकॉज कैमरा वगैरह सारा भीग जाएगा और क्वालिटी वगैरह अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसा ही अगर वेदर रहा तो अच्छा है। और आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो वो ब्लॉग बहुत ही मोटिवेशनल था, तो सर ने बहुत अच्छा अच्छा लाइन्स बोला उधर में जो कि आपको मोटिवेट करेगा। तो वो वाला जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, पिछला ब्लॉग जो था मेरा टीचर्स डे स्पेशल के ऊपर। आगे बहुत जाम लगता है, तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई गंदा वाला सीन हो चुका है, पूरा जाम लग चुका है, यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा निकलने का। तो अभी हम लोग को जाना पड़ेगा रेलवे गेट नंबर 4। तो यहाँ मतलब अभी हम लोग चोकोबारी में है, तो यहाँ से हमें राइट लेके जाना पड़ेगा, वहाँ से रेलवे गेट पार करके फिर वहाँ पे ही है वैक्सीन सेंटर। और मेरा मतलब स्कूटी से पीछे से मतलब साउंड आ रहा है, पता नहीं क्या है, तो वो भी ठीक करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी तो गेट लग चुका है, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ वैक्सीन सेंटर पे। तो
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अब वैक्सीन तो दिया था नहीं कौन तो क्या बोला भैया ने समझा नहीं मैं तो एक बार देख के आ जाते हैं वहां से। वैक्सीन कहाँ मिल रहा है? आगे गेट आगे आगे वाला इसका नेक्स्ट गेट ये मंदिर जा खत्म होता है उसका नेक्स्ट गेट। पहले जो फर्स्ट डोज लिए थे वो यहाँ से लिए थे बट अभी नहीं है अभी मंदिर के आगे नेक्स्ट गेट पे जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे तो अभी अंदर जाके देखते हैं। ज्यादा मतलब उतना भीड़ नहीं है बट थोड़ा बहुत है तो टाइम लगेगा थोड़ा तो बनी रही वीडियो पे। और सुमित भाई हमारे साथ है। सो गाइस अभी ये फंडा हो चुका है कि बिकॉज अभी मतलब मैंने वो प्रिंट आउट कराया नहीं था जो कि फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट था तो वो प्रिंट आउट किया नहीं था तो इन्होंने बोला कि पहले प्रिंट आउट करा के आओ फिर लेके जाना। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रिंट आउट कराने तो प्रिंट आउट वगैरह करा के फिर लेंगे। और फिर आगे मैंने सोचा है कि कुछ अलग कहीं जाके एक्सप्लोर किया जाए तो वो आप तो कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या एक्सप्लोर करूँ मैं। सो बने रहिए वीडियो पे। सो गाइस वहाँ पे हमें बहुत दूर चलना पड़ा फिर हम लोगों ने फाइनली प्रिंट आउट निकाल लिया तो अभी चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने दे दिया और अभी हम लोग बैठे हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा देखते हैं कितना टाइम लगता है फिर उसके बाद जाएंगे वैक्सीन लेने। मैम मैम बोलेगा ले लिया मैंने और अभी तो कुछ प्लान नहीं है तो अभी ऐसे ही जाएंगे। अगर कहीं जाने का प्लान होगा तो मैं आपको ब्लॉग पे दिखाई दूंगा तो बने रहिए ब्लॉग पे। और यहाँ पे मतलब सुमित भाई का हेडफोन ख़राब हो चुका था तो वो नया हेडफोन ले रहे हैं। वो ये तो बोट का कंपनी का था हेडफोन। और अभी हम लोग खा रहे हैं पराठा जो कि सुमित भाई ने पार्टी दिया। तो गाइस फाइनली खाना पीना हो चुका है डन और जो पराठा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो हम लोगों ने पानी पूरी खाया। तो वो अभी मतलब नहीं था ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया बट कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड ऑलवेज ड्रीम हाई एंड फ्लाई हाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।